अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भईवा भईवा। अफगान जलेबी की तो नहीं, लेकिन हाँ आपको घायल कर देने वाली एक अफगानी पनीर की रेसिपी जरूर शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी कहने को तो अफगानी है, लेकिन यकीन मानिए अफगान से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है हमारे हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स में, लेकिन इसे खाने के लिए आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे किचन में बनने जा रही है। तो शुरू करें। तो अफगानी पनीर के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे मैं निकालती हूँ और आप नोट करते जाइए। 300 ग्राम पनीर, एक गुच्छा धनिया का, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 3 प्याज स्लाइस किए हुए, 1 कप दही, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी काली मिर्च, हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी कसूरी मेथी और नमक स्वादानुसार, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पनीर को मैरिनेट करके रखेंगे। उसके लिए पनीर को पहले पीसेस में कट कर लेते हैं। मैरिनेट बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऐड करूंगी इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपरकॉर्न्स, इसी के साथ साथ 1 चुटकी हींग भी। अब आप कहेंगे अफगानी पनीर में हींग का क्या काम? पहले ये बताइए हींग आती कहाँ से है? अफगानिस्तान और ईरान से, इसलिए नो सरप्राइज कि इसमें हींग का इस्तेमाल हो। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी और अपना मैरिनेट प्रिपेयर करके पनीर को मैरिनेट करके रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। और अब बनाते हैं अपनी ग्रेवी का बेस। तो सबसे पहले लेते हैं एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल। ये जिंजर को मैं पहले स्लाइस कर लेती हूँ। इसी तरह से गार्लिक को भी थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और रफली चॉप कर लेते हैं। ग्रीन चिलीज की स्टेम्स रिमूव करके मैंने बस स्लिट कर लूंगी। एंड नाउ टू द ऑयल ऐड योर जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज और इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये स्लाइस्ड अनियंस और इसे हम सौते कर लेंगे जब तक हमारे अनियंस जो हैं वो ट्रांसलूसेंट यानी कि हल्के से गुलाबी नहीं होने लग जाते हैं। तब तक मैं क्या करूंगी, ये जो धनिया है ना इसे थोड़ा सा रफली चॉप कर लूंगी। फाइन चॉप नहीं चाहिए, रफली चॉप चाहिए और साथ ही साथ इसकी स्टेम्स भी चाहिए, क्योंकि जब स्टेम्स को करते वक्त आप पकाते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का फ्लेवर देती है। अब ये देखिए अनियन भी हमारा ट्रांसलूसेंट पिंक हो चुका है। अब ये सारा कोरिएंडर अपने मिक्सी जार में ले रहे हैं और इसी के साथ ये सौते किया हुआ प्याज भी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना देंगे। तो इस पनीर अफगानी के लिए ना बेसिकली हमको 3 मिक्सचर्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक तो ये मैरिनेट जिसमें हमने अपने पनीर को मैरिनेट करके रख दिया है, दूसरा ये प्याज और धनिया का मिक्सचर और तीसरा एक दही के साथ स्पाइसेस का मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए मैं 1 कप पहले दही ले रही हूँ और इस 1 कप दही में ऐड करूंगी मैं कुछ स्पाइसेस। 1/2 छोटा चम्मच तो मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर भी, और इसे अच्छे से आप विस्क कर लीजिए। ऑफकोर्स आप चाहें तो इस दही को मिक्सी में भी चला सकते हैं, ऐसा करने से एकदम स्मूथ हो जाएगी। चलिए तीनों मिक्सचर्स हमारे हो गए रेडी, अब क्या किया जाए, अब पनीर अफगानी का मजा लिया जाए। अब एक पैन में चाहे तो ऑयल चाहे तो घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कोई भी फैट ले लीजिए। तो आई एम टेकिंग अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और इसके बाद ऐड करूंगी इसमें अपने खड़े गरम मसाले। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इलायची का अगर आपको चाहिए बेस्ट फ्लेवर तो इलायची को थोड़ा सा क्रैक कर लीजिए, खोल लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए कि लौंग जब आप तेल में डालें तो वो उछले नहीं, यू शुड प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट, हाउ? बस लौंग का जो फूल रहता है ना उसे आप तोड़ दीजिए एंड दैट इज टेकन केयर ऑफ। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत डिफरेंस प्ले करती हैं, ना केवल आपकी डिश के टेस्ट में बट ऑल्सो आपकी सेफ्टी के लिए। अब तेल हो चुका है गरम, तो ऐड करते हैं इसमें अपने सारे स्पाइसेस। 1 तेज पत्ता, छोटा सा हो तो 2, इसी के साथ 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये लौंग और इलायची भी। इन्हें फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए, जस्ट सौते देम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स और अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना
प्याज और धनिया का मिक्सचर। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके ना इसको वॉश करके ये पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये अच्छे से पक तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं मैं इसे भूनूंगी। अब ये मसाले को 4 से 5 मिनट तक हम पकने देते हैं, तब तक क्या करेंगे, ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है ना इसे थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे। ये बाकी बचा हुआ मैरिनेट सारा मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी ताकि ये भी इसी के साथ कुक हो जाए। अब ये पनीर के पीसेस को ना हम तब तक नहीं टर्न करेंगे जब तक कि ये हल्का सा नीचे से कलर नहीं हो जाते। तो वंस दे अटेन अ लिटिल कलर ऑन वन साइड, तब इसे हम पलट के दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। ये भी अच्छे से फ्रेग्रेंट हो गया है और पनीर भी यहाँ पर थोड़ा सा कलर लेने लग गया है, तो इसे भी मैं पलट देती हूँ और दूसरे साइड से भी अच्छे से ग्रिल कर लेती हूँ। पनीर ऑल्सो डन, ग्रेवी भी हमारी काफ़ी फ्रेग्रेंट हो चुकी है और आप नोटिस करेंगे कि इसने अब तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब ऐड करेंगे हम इसमें अपना दही का मिक्सचर। लेकिन 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 कुछ टिप्स हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, कि जब भी आप दही को किसी ग्रेवी में ऐड करने जाते हैं ना तो वो फट जाती है। ऐसा क्यों होता है और क्या क्या करना है कि ऐसा बिल्कुल ना हो। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें दही को अच्छे से फेंट लेना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका पैन का टेम्परेचर इस वक्त बहुत लो होना चाहिए, तो इसके लिए गैस को मैंने कर दिया है धीमा और इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, जिससे इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और अब इसमें ये दही का मिक्सचर ऐड करेंगे। और तीसरी बात जो आपको खास ख्याल रखनी है वो ये है कि दही ऐड करने के बाद आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। ये थोड़ा सा दही का जो मिक्सचर बच गया मेरे कटोरे में, इसको भी मैं वॉश करके इसमें ऐड कर देती हूँ। नाउ कीप स्टारिंग दिस टिल द टाइम इट कम्स टू अ बॉयल। ये देखिए दही अच्छे से पक भी गई है लेकिन फटी बिल्कुल नहीं है, फॉर द सिंपल reasons, कुछ बहुत अहम बातों का हमने ख्याल रखा है। अब क्या इसमें डालना रह गया, बस वही अपना सबसे ज़रूरी वाला इन्ग्रेडियंट नमक। तो ऐड सॉल्ट टू योर टेस्ट। और अब इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक तेल वापस से एक बार ऊपर तैरने नहीं लग जाता। एंड नाउ वी विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, बिल्कुल ऑप्शनल है, मन करे तो ऐड कीजिए। रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा रिचनेस ऐड करने के लिए इसमें हम क्रीम ऐड कर देते हैं। अब फाइनली इसे फिनिश करने जा रही हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ, फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लेवर। जस्ट मिक्स दिस इन। तो ग्रेवी भी रेडी, पनीर भी ग्रिल हो चुका है, अब क्या करना है, इसे बढ़िया सी प्लेट में सर्व करना है। नान, पराठा, रोटी, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ एंजॉय करना है। अफगान जलेबी क्या खूब फरेबी, घायल है तेरा दीवाना। ये तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ और अच्छे से करना। अफगान जलेबी क्या खूब फरेबी, भाई वाह। दूसरा ये प्याज और किसका, धनिया का। So once again, भूल गए थे,